छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर एक स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। यह घटना लैंडिंग के दौरान घटित हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में दो पायलट सवार थे, जिनकी मौत हो गई है। पायलट ईपी श्रीवास्तव और कैप्टन पांडा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, इसमें दो पायलट सवार थे। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस हादसे में दो पायलट की मौत हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राकेश सहाय ने हादसे की पुष्टि की है। प्रैक्टिस के दौरान वापस लैंड कर रहे थे, उस दौरान आग लगने के कारण क्रैश हुआ। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अगुस्टा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दो पायलट की मौत हो गई है। रनवे के आखिरी शोर पर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट ट्रेनी थे। माना थाना क्षेत्र का मामला है। इस हादसे के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। स्टेट हेलीकॉप्टर के दोनों ट्रेनी पायलट की मौत से हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जोहर छत्तीसगढ़।